आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार चुनाव वो अंतिम चरण पर है, अंतिम दौर चल रहा है। यूं कहें तो कुछ घंटों का ही वक्त बचा है जब मतदान खत्म हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट की बात करें तो उसमें भी अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें सहरसा से राजद की प्रत्याशी लवली आनंद की, तो लवली आनंद जब आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ पर पहुंची तो उन्होंने लगातार ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर कई सारी बातें कहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि दबाया जाता है लालटेन का बटन और वोट चला जाता है भाजपा को। तो इस तमाम तरह की बातों के साथ लवली आनंद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है पहले आप खुद सुन लीजिए। देखिए, इस बार ना मतदाता में बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन हमने देखा है घूम करके कि हर जगह प्रशासन की तरफ से उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। कहीं जो है ईवीएम ये की है गड़बड़ है, दर्जनों अभी ऐसा है जिसमें ईवीएम खराब है और 2 घंटा से ज्यादा हो गया है उसको ठीक नहीं कराया जा रहा है। कहीं स्लो मतदान कराया जा रहा है, कहीं घंटों रखा जा रहा है। इस तरह से प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस किया जा रहा है। जो हमारा बूथ है, जो बाकी लोग का है जिधर वोटर, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से हमारा वोटर को परेशान किया जा रहा है। तो आपने सुना कि लवली आनंद किस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर कई सारी बातें कह रही हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं घंटों घंटों अलग अलग बूथों का दौरा कर रही हूं और हर जगह मुझे इसी तरह की परेशानी दिखाई दे रही है। देखिए कि किस तरीके से लोग कतार में खड़े हैं, ईवीएम के खराब होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि वीआईपी सीट से यहाँ पर मुकेश सहनी है, वहीं अगर राजद के प्रत्याशी की बात करें तो खुद लवली आनंद है और यहाँ पर मुकाबला बेहद ही रोचक है क्योंकि सबकी नजर इस हॉट सीट पर बनी हुई है। फिलहाल जो सियासत है, भले ही चुनाव प्रचार प्रसार रुक गए हों, लेकिन तमाम जो नेता हैं जब वो अपने बूथ पर जा रहे हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उस वक्त भी सियासत अपने जोरों पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।